वेलकम बैक। यहाँ पे आपको बताएं, कराची में हलाकतों से मुतालिक वफाकी वजीर मुशाहिदुल्लाह खान ने इंकशाफ किया है। उनका कहना है कि भारत में पावर प्लांट्स के बायस कराची में गर्मी हुई है, गर्मी पड़ी है। कराची में गर्मी से अम्बात ना विफाक जिम्मेदार है ना सिंध, बल्कि भारत जिम्मेदार निकला। कुछ समझ ना आया तो विफाकी है। उनका कहना है कि राजस्थान में पावर प्लांट्स लगने से कराची में गर्मी बढ़ी है। तहकीकात में साबित हुआ तो मामला अक्वामे मुत्तहदा का क्या कहना था, जानेंगे अपने नुमाइंदे फारूक एजाज से। जी फारूक जी, बिल्कुल। मुशाहिदुल्लाह खान का ये कहना था कि कराची मौसमियाती हालात की हिट लिस्ट पर है और कराची में हलाकतों की वजह माहौलियाती तब्दीली भी है। उनका ये कहना था कि ऐसी इतलात मिली है कि राजस्थान में पावर प्लांट्स लगने से असरात कराची तक आए हैं, जिसके बाद कराची अगर तहकीकात कराई जाएंगी और अगर ऐसा साबित हुआ तो मामला अक्वामे मुत्तहिदा तक ले जाया जाएगा। जी ठीक है। जब कुछ समझ ना आया तो विफाकी वजीर मुशाहिदुल्लाह ने गर्मी का इल्जाम भारत पर डाल दिया। राजस्थान में पावर प्लांट्स लगने से कराची में गर्मी बढ़ी है, ये कहना है मुशाहिदुल्लाह का। क्या कहना है उनका, आपको एक दफा दिखाते हैं। राजस्थान में जो पावर प्लांट कोयले के लगे हुए, उसकी वजह से भी कराची के पेड़ के असर आए हैं। अब इसको हम देख लेंगे, इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, लेकिन अगर फर्स्ट कर आए भी हैं तो उसका उसका कोई ना कोई हल तलाश करने लगा। नहीं कहने का मकसद ये